25 साल से मुसलमानों ने लालटेन का साथ नहीं छोड़ा है। इस 32 साल में मुसलमानों ने कभी ये नहीं पूछा लालटेन से कि आप सड़क मंत्री हैं तेजस्वी जी, हमारे गांव में सड़क क्यों नहीं बना। आप ग्रामीण कार्य मंत्री हैं लेकिन हमारे गांव की नालियों गलियों की दुर्दशा क्यों है। आप स्वास्थ्य मंत्री थे, हमारे बच्चों के लिए अस्पताल दवा डॉक्टर क्यों नहीं है। बिहार में अगर मुसलमानों का बदहाली का कोई अगर सबसे बड़ा जिम्मेवार है तो वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव है। बिहार के मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाया जाता है लेकिन उनकी बदहाली की जिम्मेदारी जो है वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कारण है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। ये कहना है राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भी जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि अगर बिहार के मुसलमानों की आज स्थिति खराब है तो उसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव है। बिहार के मुसलमानों को बीजेपी का नाम लेकर सिर्फ डराया जाता है जबकि उनकी हालत के जिम्मेवार लालू यादव है क्योंकि उन्होंने आज तक MY समीकरण की राजनीति की है, मुसलमान और यादव की राजनीति की है। एक तरफ जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विदेश दौरे को लेकर भी उन पर तंज कसा है और कहा है कि नीतीश कुमार को बिहार की स्थिति नहीं दिखाई दे रही तो वो विदेश दौरे पे जा रहे हैं। क्या कुछ प्रशांत किशोर कह रहे हैं बिहार के मुसलमानों को लेकर और किस तरीके से लालू यादव को वो घेर रहे हैं, चलिए हम आपको सबसे पहले उनकी पूरी बातों को सुनवा। तो आप समाज में ये सुधार नहीं लाएंगे कि मेरे भाई तुम पाकिस्तान और पुलवामा के लिए वोट दे रहे हो जबकि तुम्हारे बच्चे जाकर गुजरात में तमिलनाडु में मजदूरी कर रहे हैं, तो तुम्हारा भला कैसे होगा। जितने मुसलमान समाज के लोग हैं, मैं 18 महीना से पैदल चल रहा हूँ, 5,000 से ज्यादा गांव में जाने के बाद मैं रोज मंच से कहता हूँ कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब बदहाल फटेहाल अगर कोई बिहार में है तो मुसलमान है। लेकिन 32 साल से मुसलमानों ने लालटेन का साथ नहीं छोड़ा है। इस 32 साल में मुसलमानों ने कभी ये नहीं पूछा लालटेन से कि आप सड़क मंत्री हैं तेजस्वी जी, हमारे गांव में सड़क क्यों नहीं बना। आप ग्रामीण कार्य मंत्री हैं लेकिन हमारे गांव की नालियों गलियों की दुर्दशा क्यों है। आप स्वास्थ्य मंत्री थे, हमारे बच्चों के लिए अस्पताल दवा डॉक्टर क्यों नहीं है। आप शिक्षा मंत्री थे, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई क्यों नहीं है। मुसलमान इन सारे परेशानियों के बावजूद जाकर उसी लालटेन को वोट दे। जन सुराज पद यात्रा कर रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लालू परिवार पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब बदहाल बिहार के मुसलमान हैं, लेकिन 32 साल में मुसलमानों ने लालटेन का साथ नहीं छोड़ा। इस 32 साल में मुसलमानों ने कभी ये नहीं पूछा कि लालटेन से कि आप सड़क पर मंत्री तेजस्वी जी, हमारे गांव में सड़क क्यों नहीं है। आप ग्रामीण कार्य मंत्री हैं लेकिन हमारे गांव में नालियां गलियों जो है वो दुरुस्त क्यों नहीं है। आप स्वास्थ्य मंत्री थे, हमारे बच्चों के लिए अस्पताल दवा डॉक्टर क्यों नहीं है। आप शिक्षा मंत्री थे, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई क्यों नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मुसलमान इन सारी परेशानियों के बावजूद जाकर उसी लालटेन को वोट देते हैं। इस तरह लालू यादव को पता चल गया है कि मुसलमानों के लिए काम नहीं करना है, उनको सिर्फ भाजपा का डर दिखाते रहना है और हमको ना उनको भागीदारी देनी है ना उन्हें हिस्सेदारी देनी है। तो आप देख सकते हैं प्रशांत किशोर बिहार के मुसलमानों को कहीं ना कहीं जागरूक करने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप उन्हीं को वोट दें जो आपके लिए काम करता हो, ना कि उन्हें जो सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करता हो। आपका क्या कुछ कहना है प्रशांत किशोर के इस बयान को लेकर, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।